गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आ गए हैं महालक्ष्मी स्वीट्स पे सुबह सुबह, और यहाँ पे हम खाने आए हैं जलेबी, वो भी देसी घी की शुद्ध जलेबी। तो चलते हैं और खाते हैं जलेबी। हम लगातार के जलेबी ले रहे हैं, ऑर्डर बोल दिया गया। मेरी बर्बादी कौन से जलेबी है? हाँ खाना है ये प्याज का चौड़ी खानी है भैया, खानी प्याज की कचौड़ी है, वहाँ राजस्थान में बहुत मिलते हैं। नहीं वही से बता रहे, मतलब वहाँ पे फेमस है ना। तो दोस्तों जलेबियाँ आ चुकी हैं हम लोगों की, ये देसी घी की जलेबी है ये। तो अब इनको टेस्ट करके देखते हैं कैसी हैं। हेलो, देसी घी की खुशबू आ रही है इसमें, और कैसी लगी आपको? बढ़िया जलेबी है ना, बहुत बढ़िया जलेबी है। तो जलेबियों का क्लोज लुक आप देख लीजिए, बस एक साइज में बनती है जलेबी, देखिए गोल हैं, बस इसी साइज की सारी मिलेंगी आपको, अलग अलग तोड़ने का झंझट नहीं इसमें। तो दोस्तों महालक्ष्मी स्वीट्स जो है ये पुराने चौराहे पे है, और बहुत ही फेमस दुकान है, बहुत ही पुरानी और बहुत फेमस दुकान है यहाँ की। तो अब गाड़ी में पेट्रोल डलाने के लिए हम लोग लाइट में लगने जा रहे हैं, उसके बाद आगे चलना है। देखिए पूरा मेला लगा हुआ गाड़ियों का, बहुत ज़्यादा जाम है। ज़बरदस्त रश देख रहे हैं आप यहाँ पे। दोस्तों सिटी का बहुत ही बिजी पेट्रोल टंकी है, और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस भी मिलती है, देखिए अब कितना जाम लगा हुआ है। हम रात ज़्यादा पेट्रोल टंकी पे तेल डलवा रहे हैं, और इसके बाद हम चलेंगे मम्मी की दवाई लेने आईटी, जो यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। दोस्तों हमारे सामने सरस्वती ज्ञान मंदिर स्कूल है, तो उस पर कुछ स्लोगन लिखे हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो स्लोगन मैं पढ़ता हूँ, आप देखिए उनमें जो बातें लिखी कितनी अच्छी हैं, आप सुनिए। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। बहुत बढ़िया। तो यहाँ सचदेवा मेडिकल स्टोर पे हम दवा निकलवा रहे थे मम्मी के लिए, तो ये दवा 1 महीने की दवा निकलवाई है हमने, और इस दवा को हम भेजेंगे गांव। देख रहे हैं, तो ये सामने आप देख रहे हैं सचदेवा मेडिकल स्टोर। दोस्तों यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, बहुत बेस्ट मेडिकल स्टोर है यहाँ पे सिटी का, और यहाँ पे मोस्टली सारी दवाएँ मिल जाती हैं, इसलिए बहुत फेमस है। तो लोग कहीं भटक के नहीं जाते हैं, और यहीं पर आते हैं सीधे और दवा लेते हैं। तो दोस्तों अब हमारे साथ में है मोनू भाई, और हम दवा लेकर आ चुके हैं। अब ये मिल गए थे मुझे कपूरथला पे, और यहाँ पे हम लोग रुके हैं चाय पीने के लिए। पीछे देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी चाय देते हैं, तो चाय पियेंगे, इसके बाद चलेंगे हम वन प्लस नॉट की जानकारी लेने, क्योंकि मुझे सोच रहे हैं कि ब्लॉगिंग करें तो वन प्लस नॉट से करें। अब देखते हैं कैसे ले पाते हैं, और 25,000-26,000 का फ़ोन है, तो अभी चलेंगे एक शॉप पर और देखेंगे वहाँ पर मिलेगा नहीं मिलेगा। और हम चाहते हैं कि फाइनेंस हो जाए, तो इसलिए वहाँ पे चल के जानकारी करेंगे कि फाइनेंस होगा कि नहीं होगा। तो बने रहिए आप, चलेंगे भी दुकान पर। तो ये सामने आप देख रहे हैं रुचि इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पे मुझे पता चला है कि वन प्लस मिल जाएगा, तो देखते हैं अंदर चल के कि वन प्लस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं
नहीं मिल फाइनेंस कराना कैश का? हाँ फाइनेंस। दोस्तों अभी मैं बैठा हूँ ढाबे पे, यहाँ पे मैं चाय पी रहा हूँ और इधर बैठे हैं मोनू भाई, अपना गेम खेल रहे हैं। तो मैं गया था अभी रुचि इलेक्ट्रॉनिक्स पे, तो वहाँ पे मैंने पता किया वन प्लस नॉर्ड, तो पता चला कि नहीं उनके पास अवेलेबल है अभी। और आपने देखा होगा मैंने जो बात की उनसे, तो वन प्लस नॉर्ड मैं चाहता था कि मिल जाए लेकिन अभी नहीं मिला मुझे। तो मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में मैं वन प्लस नॉर्ड लूँ, जिससे कि और बेहतर मैं वीडियो कैप्चर कर सकूँ। और दोस्तों अगर मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल सपोर्ट करें अपने भाई को। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।